एबीपी न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। बांदीपोरा मिलिटेंट हमले में कल शहीद हुए पुलिस जवानों के घरों का डीजीपी आईजीपी एसएसपी ने मुकाम बोटिंगो सोपोर का दौरा किया। संवाददाता इरफान नजीर की भलाई के लिए काम करती है। दहशत गर्द को पाकिस्तान नवाज ताकतों को तकलीफ होती है कि कोई लोगों के और दहशत गर्द की गोली में इनके दरमियान खड़ा होता है। पुलिस ही दहशत गर्द को दूर रखने में, लोगों की जान माल बचाने में काम करती है। हमारी फोर्सेज के साथ मिलकर के आर्मी बीएसएफ बाकी जितनी फोर्सेज सीआरपी जहां पर काम करती हैं सबके साथ पुलिस तालमेल से काम करती है। ये दहशत गर्द की हताशा है और उसी हताशा में ये इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, इसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। विश्व पर्वत दिवस के अवसर पर कश्मीर पर्यटन विभाग की ओर से गुलमार्ग में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गुलमार्ग पर्यटन विभाग के सहायक निदेशक जावेद रहमान मुख्य अतिथि रहे और इस मौके पर प्राइस एसएचओ गुलमार्ग समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हुए। संवाददाता सईद मुदस्सिर की है रिपोर्ट। हर साल की तरह आज यानी 11 दिसंबर को हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है इन कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स हम हर रिजॉर्ट की तरह हमारे इस गुलमर्ग में भी आज ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका मुद्दा व मकसद यही है कि कश्मीर जो है वो खुद अपने आप में दुनिया भर में मशहूर व मकबूल है, अपने हुस्न के लिए, अपने इन सरसब्ज वादियों के लिए और अपने जो आज देख रहे हैं आप यहाँ गुलमर्ग में बर्फ़ से जो ढकी हुई है जो हमारी पहाड़ियाँ हैं जो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं, इसको एक दुनिया तक पहुँचाने की ज़रूरत है और साथ में ये कि हमें इनको बचाने की ज़रूरत है। भारतीय सेना ने कीगांव कुपवाड़ा के सरकारी हाई स्कूल में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित कुल 952 स्थानीय लोगों ने शिविर का दौरा किया और डॉक्टरों से परामर्श किया। लोगों को चिकित्सा परामर्श और जांच के अलावा दवाइयां भी मुहैया कराई गयी। ग्रामीणों ने भारतीय सेना द्वारा की गई पहल की सराहना की। संवाददाता आदिल अकबर की है रिपोर्ट। दग आसान दो आसान जनाबी अर्जन आसान दग ये जरूरी है मेडिकल कैंप गज अगर वो वरस मे अक दो गो ज्यादा जान तो जनाबी यह बड़ जान अस खुद क्या पेशेंट आसान बीमार आसान श्रीनगर अगर बहुत अपील दिम बिल्कुल तम गम गन वक्त मौत ठीक लोगों। आज मैंने कम से कम 100 से 150 तक पेशेंट्स देखे हैं। नॉर्मली यहाँ पे वो पेशेंट्स आते हैं जिनको इनिशियल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और उनको बताया जा सके कि उनको किस डॉक्टर के पास दिखाया जाए। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको बीपी, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, घुटनों का दर्द है, ये उनको कभी पता नहीं चल पा रहा है और वह उस बीमारी को लेकर आगे चलते जा रहे हैं। तो ये मेडिकल कैंप इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया कि उनको बता सके कि आपको ये बीमारी है और आगे उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया जाए और वो आगे जाके दूसरे जगह हमारे जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर जाके हमारा अपना पूरा इलाज अच्छी तरह इलाज करवाए। तो बिल्कुल यहाँ ऐसा हम हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो जब भी उनको कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जले हुए होते हैं, तो हमारे जब भी कैंप में आते हैं तो हम उनको हर बार कैंप में बुला के उनका इलाज। मागम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बड़गाम डॉक्टर ताजमल हुसैन ने बिना लाइसेंस के विभिन्न क्लिनिकों का औचक निरीक्षण किया। सीएमओ ने कहा कि मागम की ओर से लगातार शिकायतें आती रही हैं कि बिना लाइसेंस व अकुशल लोग यहां क्लिनिक चलाते हैं जो मरीजों के लिए खतरनाक है। उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध रूप से शामिल पाए जाने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संवाददाता सईद मुदस्सिर की है रिपोर्ट। कुछ आध क्लिनिक इससे पहले भी हमने वहाँ पे बंद की हुई थी क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे एक ऐसा वहाँ पे मैं वो क्या कह रहा हूँ कि वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो वहाँ पे कुछ अल्ट्रासाउंड नहीं चलाते हैं, तो उस सिलसिले में और डेंटल क्लिनिक्स की भी हमको शिकायत आई थी। इस सिलसिले में आज मैं मांगा गया कि दैट्स के लोगों को जो सुविधाएं प्राइवेट क्लिनिक्स वाले देते हैं वो अच्छी तरह से वो दे पाए। डीआरसी मावर हंदवाड़ा में हमारे बच्चे हमारा भविष्य पर शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें विशेष अतिथि ईजेएसी अध्यक्ष मोहम्मद रफीक राठौर और विशेष अतिथि उपाध्यक्ष टीआरएस फोरम उपस्थित रहे। संवाददाता इरफान गनी भट्ट की है कि महकमे तालीम की तरफ से एनरोलमेंट ड्राइव का सिलसिला शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम चूँकि नुमाइंदा तंजीम है असद जकराम की और हमने हमेशा कहा कि चूँकि बच्चा हमारा प्रायोरिटी है, हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर फले फूले, गवर्नमेंट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, गवर्नमेंट सेक्टर में फैसिलिटीज़ हो और सरकार ने गवर्नमेंट सेक्टर में अब इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा ट्रिमेंडस ये पोटेंशियल है।
जम्मू और कश्मीर पीपुल जस्टिस फ्रंट ने जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। सेमिनार को संबोधित करते हुए आगा सैयद अब्बास रिजवी ने कहा कि दुनिया में जहां कहीं भी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, मैं उसकी निंदा करता हूं। संवाददाता सैयद मुदस्सिर की है रिपोर्ट। अभी तो 3 दिन हो गए वहाँ तालिबान आए और 3 महीनों में ही है अभी हमारे जो हजारा कम्युनिटी है और उनको अपनी मिलकियती जो घर है उनके उनको उन पर से बाहर निकाला जा रहा है और उनके मस्तूरात से ज्यादती की जा रही है। इसको नोटिस लेना चाहिए। उसके आज इस चीज के इंतजार में है कि आज पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स डे मनाया जा रहा है। मैं उनसे अपील और रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि उस चीज का नोटिस। मेरे भारत में आज भी हर मजहब को इज्जत दी जाती है जो उसे चाहिए और मैं अपने भारत के तमाम नौजवान आवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें सब मिलकर हम सब ने एक ही बात अपने दिल में रखनी है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, कि हमने अपने भारत को आगे लेकर जाना है और दुनिया के तमाम ममालिक में हमारा भारत पहले नंबर पर आए और मेरा भारत महान है। एनगोस फुटबॉल क्लब ने हनवाड़ा पुलिस के साथ मिलकर हनवाड़ा में ड्रग जागरूकता रैली का आयोजन किया। रैली सेकेंडरी स्कूल हनवाड़ा से शुरू होकर पुराना बस स्टॉप हनवाड़ा तक पहुंची। इस रैली में मैराथन पर्सनालिटी एसएसपी मशहूर जरगद, हनवाड़ा पुलिस के एसएचओ परवेज अहमद वानी भी मौजूद रहे। संवाददाता इरफान गनी भट्ट की रिपोर्ट। आज आप लोगों ने ड्रग्स के खिलाफ जो है यहाँ पर आज एक रैली मुनाकत की, तो इस बारे में हमें मुख्तसर बता दीजिए। ये हमने डिसाइड किया था आज से तकरीबन 15 दिन पहले कि हम ऐसी रैली करेंगे, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने एफर्ट्स लगा के सोसाइटी में वो चीज़ें दस्तियाब करें जिनसे लोगों को फ़ायदा मिले, बच्चों को फ़ायदा मिले। बच्चे जो आजकल का दौर जो भी जितना भी ड्रग्स की ओर जाता है, तो हम पे ज़्यादा आइंद है ये पाबंदियाँ कि हम इस चीज़ को रोकें, हम इस चीज़ पे वर्क करें, हम लड़कों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो मेरे ख्याल से हनवारा में फर्स्ट फुटबॉल एकेडमी होगी जो लड़कों को ऐड कर रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नया यूथ गलत कामों में पड़ जाए, नया यूथ गलत चीज़ों में पड़ जाए, तो इसलिए हमने ये आज रैली की। तो किया था आज हनवारा पुलिस ने, हम उनका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। जिला गांधरबल में ट्रेंड रेल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित टाउन हॉल में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सीखो और कमाओ योजना के प्रशिक्षित उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला एक दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। संवाददाता डार मुश्ताक की है रिपोर्ट। IHRC जम्मू एंड कश्मीर द्वारा अनंतनाग में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। संवाददाता सुहेल बाबा की है रिपोर्ट। ये ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है, ये आज सबको बताना है और ये आगे पहुंचाना है कि नंबर एक जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे सिविल सरकार हो चाहे गवर्नमेंट राज हो, ये सब ही लोगों के ये हक दिलाने के लिए और हक देने के लिए होते हैं। इसमें किसी कोताही में नहीं होनी चाहिए, किसी को हक ना हक हक तरफी नहीं होनी चाहिए। इंसानी हकूक इसी को कहते हैं कि एक इंसान को जब अल्लाह ने पैदा किया तो उसके हक भी उसके साथ ही पैदा किए। जो इंसान के हक है वो अब इन जिम्मेदारों के हाथों में है, वो इन लोगों तक पहुँचानी चाहिए, ये हक इनको।